सब्सक्राइब करिए हाई फाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में उनकी मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक तरीके से यूँ समझ लें तो आज आपका मॉक टेस्ट होने वाला है। टोटल आपके 18 प्रश्न आते हैं पेपर में, जिसमें से 5 बहुविकल्पी होते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं नहीं कराऊंगा, यानी 13 प्रश्न मैं आपको आज की क्लास में कराने वाला हूं, ठीक है ना। बहुविकल्पी प्रश्न यहीं से पूछ लिए जाते हैं, छोटे छोटे से प्रश्न होते हैं, तो वो सब आप कर पाओगे। तो शुरुआत करेंगे क्लास की, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है ना। तो आप एक बार वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के संग, ताकि उनको भी पता चले कि क्लास स्टार्ट हो गई है। आइए फिर शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिख दिए हैं और आगे भी क्वेश्चन हैं, टोटल 13 क्वेश्चन करेंगे। और अंत तक वीडियो को देखना है, कितने आपके सही हुए हैं वो भी कमेंट करके आपको बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x माइनस 1 अपान x बराबर 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन पिछली बार आपका पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप सभी लोग बताने की कोशिश करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिया क्या गया है, x माइनस 1 अपान x इज इक्वल टू 5। तो अगर मैं यहाँ पर x माइनस 1 अपान x का होल स्क्वायर कर लूँ, इसका होल स्क्वायर कर लूँ, तो ये हो क्या गया, a माइनस b का होल स्क्वायर। आपको याद है ना, मैंने बोला था a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, यही ना होता है। तो सबसे पहले हम x स्क्वायर, x है ना, तो ये हो जाएगा a यानी कि x स्क्वायर, फिर b यानी 1 अपान x स्क्वायर माइनस के 2ab, 2 इंटू x इंटू 1 अपान x। अब इतना काम हो गया, तो केवल आपको मान रखना है x माइनस 1 अपान x बराबर कितना दिया है मेरे दोस्त, 5। तो उसके स्थान पर हमको 5 रखना है, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपान एक्स स्क्वायर और ये माइनस, ये एक्स से ये एक्स ख़त्म, 2 एक कम कितना हो गया, 2 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है बराबर। अब देखो, आपको इतने का मान बताना है भाई, इतने का ही तो मान पूछे है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इतने का मान। तो इधर से अगर माइनस का 2 हम गायब कर दें, इधर ले आएँ, तो इधर इतना ही बचेगा, वही हमको पता चल जाएगा। तो ये माइनस का 2 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएगा, यानी 25 प्लस 2 हो जाएगा और इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। 25 में 2 जोड़ोगे तो 27, और ये 27 किसकी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की। और यही आपसे पूछा था, क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 27 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 27। अगर सर्वसमिका पता है आपको तो आज सारे प्रश्न लगा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं पेपर में। अभी देखना, एक आगे प्रश्न आएगा जहां है 2x प्लस 1 अपान x इज इक्वल टू कुछ दिया है और आपसे पूछे है x प्लस 1 अपान 8x क्यूब का मान, तो वो प्रश्न कैसे लगाओगे, यहीं से आपको सीखना है। खैर चलो, दूसरे प्रश्न पर पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या 2 पढ़ो और बताओ क्या आएगा उत्तर क्वेश्चन नंबर 2 का। ये क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको दिया है 3:4:5। यदि परिमाप 144 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल आपको बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये भी क्वेश्चन आपके पिछले साल का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैंने करा भी रखा है ये क्वेश्चन। लेकिन मेरे दोस्त, मैं ऐसे क्वेश्चन इस बार इसलिए करा रहा हूँ ज़्यादा, ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आप इजीली कर पाओ, ठीक है ना। चलो देखो, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, तो त्रिभुज का हमें क्या दिया गया, भुजाओं का अनुपात। अब हमें पता, जो अनुपात होता है वो कभी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, तो उनको हम एक्चुअल बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें वेरिएबल ऐड करते हैं, उसमें चर राशि ऐड करते हैं।
तो अगर मैं भुजाएं पूछूं आपसे, भुजाएं क्या हो जाएंगी त्रिभुज की, तो वो हो जाएंगी सर, एक तो 3x हो जाएगी, है ना, एक 4x हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको दिया गया गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का परिमाप आपको दिया है, और हमें ज़रा बताओ कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो आपका उत्तर क्या आएगा कि सर त्रिभुज का परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग। यही ना होता है तो ए प्लस बी प्लस सी के स्थान पर ये तीनों भुजाएं हैं, तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे 3x प्लस में 4x प्लस में क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ त्रिभुज का परिमाप कितना है, 144, तो अब इसके स्थान पर हम कितना रख देंगे, 144। अगर मैं इसको टोटल ऐड कर लूँ 5, 3, 8, 4, 12x, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ कि ये 144 किसकी वैल्यू है, 12x की वैल्यू है। x की वैल्यू निकालेंगे, 12 बराबर में 144, यानी x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। अगर x बराबर 12 आ गया, तो आपसे पूछे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बताने के लिए हमको साइड पता होनी चाहिए, इसमें रखेंगे तो 12 तिया कितना हो जाएगा भाई, 36। 12 चौक कितना हो जाएगा, 48, या 48 हो गया। 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो गया। और ये सारे किस में रहेंगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि परिमाप भी हमारा किस में है, सेंटीमीटर में। तो यूनिट का बेहद ख्याल रखना आपको, यानी सेंटीमीटर ये 36 हो गया, ये 48 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है त्रिभुज का पेरीमीटर, वो एरिया। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस बात को आपको समझना। अब आप यहाँ पर त्रिभुज का कोई भी फार्मूला लगा दो, आपका एरिया निकल आएगा। अगर मैं यहाँ पर सम कोण त्रिभुज का फार्मूला लगाता हूँ, सम कोण त्रिभुज का फार्मूला, बात को समझना, सम कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सम कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यही ना होता है भाई, बोलो आप कहोगे सर आपने ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि आप अनुपात पे गौर करो, 3:4:5, ये एक ऐसा अनुपात है जो राइट एंगल ट्रंगल में ही लगता है, ये ट्रिपलेट होता है 3:4:5, मैंने बताया था ना। अब यहाँ पर आप s-a, s-b, s-c वो भी लगा सकते थे, बट वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगी, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लगाओ। सबसे लंबी वाली भुजा क्या है, वो तो कर्ण हो जाएगी, उससे हमें मतलब नहीं है। बेस इंटू हाइट हमारा ये हो जाएगा, रखो भी ये मान, तो ये हो जाएगा 1/2, बेस के स्थान पर रख दो 36, हाइट के स्थान पर रख दो 48, और जब इसको आप काटोगे 2 से 18 बार में, 18 कितना होता है, 144 होता ना, 144 का 4 कैरी आ गया 14, 18 चौके 72, 72 और 10 कितना हो गया भाई, 82, 82 4 कितना हो गया, 86, ये हो गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन का क्या है सही जवाब, हो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का सही जवाब है भाई। आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप 18 का 48 से गुणा कराओगे, 8 × 64 के 4 कैरी 6 आ गया, 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32, 32 और 8 = 40, 6 = 46 के 6 कैरी 4 आ गया, और 4 × 1 = 4, 4 = 8, ये 864 आ गया, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो यही आपके क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले पे पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर, और उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 3 को। ये बात बिल्कुल क्लियर, अगर आपको इसको जांचना है तो आप अंडर रूट एस एस माइनस ए से भी लगा के चेक कर लेना, उत्तर आपका इतना ही आएगा। बट मेरा काम है आपको चीज़ों को समझाना कि आप कहाँ पर क्या लगा सकते हो, बाकी आपकी मर्जी कि आपको कौन सा बेहतर लगता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 के गुणनखंड करना है। अब देखो जरा, इस क्वेश्चन को मैंने आपको कई तरीके से बताया है, ए की पावर 4 बी की पावर 4 इसके गुणनखंड करना है, तो क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता हूँ। अब देखो चीज़ों को समझना, क्या मैं इसको ए की पावर
टू की होल पावर मैं टू नहीं कह सकता हूँ, माइनस बी की पावर टू और इसकी होल पावर मैं टू नहीं कह सकता हूँ? आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हो, मैं कह सकता हूँ ना। और ये हमारा क्या बन गया है, एक सरसंख्या थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, ए प्लस बी ए माइनस बी। याद करो बीजगणित वाली क्लास को, चार क्लास से पढ़ाया, ये बताया था कि नहीं बताया था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब हम इसको करेंगे यानी एक बार इसको प्लस में लिख दें एक बार माइनस में लिख दें, तो जब इसको हम प्लस में लिखने जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार प्लस में हो गया, दूसरी बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये माइनस में हो गया। लेकिन 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 बात को समझना भाई, इसमें तो हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते क्योंकि प्लस में हमारा फार्मूला नहीं लग पाएगा ये वाला। बट अगर आप इसको गौर से देखो इस चीज़ को, तो क्या ये एक बार और यहाँ अप्लाई हो सकता है? भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, हमको अच्छे से पता है। तो पहली बार तो हमने ये कर दिया, दूसरी बार इसने इसमें भी तो लगा सकते हैं, तो ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, ये रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी एक ब्रेकेट में ए माइनस बी एक ब्रेकेट में, ये आपका उत्तर क्वेश्चन नंबर थ्री का ये सही जवाब हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ कर दिया मैंने, माइनस वाले को तोड़ दिया दो भागों में, अब आगे तो कुछ तोड़ सकते नहीं हैं, तो यही उत्तर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर पे पहुँचते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या नंबर चार, बात बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? ओके, देखो क्वेश्चन नंबर फोर, अब यहाँ भी सारे सर्वसमिका बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे? आपको दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 38, आपसे पूछा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या होगी। देखो एक सिंगल फार्मूला होता है स्क्वायर में तीन टर्म में, कौन सा? तो वो आप यहाँ पर देखो भाई, सरसंख्या हमारा क्या होता है, सरसंख्या होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद होता है प्लस के टू ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए, यही ना फार्मूला होता। केवल मान रखो a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, जरा देखो 10 दिया है ना, तो इसके स्थान पर हम 10 रख देंगे, ये हो गया 10 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया है, ये देखो 38, तो ये हमारा हो जाएगा 38, यहाँ हो गया 38 प्लस में 2 ब्रेकेट में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, इसी का मान बताना है। अब क्या करेंगे देखो जरा, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, 38 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 38, और उधर बचा क्या 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए, ये बच गया। 100 से 38 जाएगा, 38 दो 40 662 इज इक्वल टू 2 ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए, चीज़ों को समझ पा रहे हो ना। अब दो मल्टीप्लाई में ही इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 62 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए, दो से काटोगे दो तीन छः दो एक कम दो 31 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा, 31 आपके क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा 31। फिर से समझना, ये सरसंख्या हमें पता थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2 ब्रेकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, खैर यहाँ पर तो 2 ए बी 2 बी सी 2 सी ए होता है, लेकिन मैं दो कॉमन लेकर डायरेक्ट टर्म मैंने लिख दिया है ना, मैंने फटाफट मान रखना अपना उत्तर ले आया, 31 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, अब 5 पर पहुँचते हैं, 5 नंबर प्रश्न पहुँचते हैं। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें समझ गए होगे? चलो क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 क्या है उसको ज़रा समझो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 73 73 है,
एक्स वाई बराबर 24, तो एक्स प्लस वाई का मान बताना है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर लूँ, हमें एक्स प्लस वाई का मान बताना है। सो अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab 2xy। हो गया, केवल मान रखो भाई। आप देखो एक्स प्लस वाई का मान बताना है तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 73। तो मैं यहाँ पर रखूँगा 73, ये एज इट इज रहेगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 73 प्लस में 2। अब इसके बीच में इंटू का चिन्ह है ना, मैंने बता रखा है। तो एक्स वाई की वैल्यू 24, तो हमने यहाँ पर रख दिया 24। लो भैया, अब इसको सॉल्व करो। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 73 प्लस में 24 दुना कितना हो गया, 48। यहाँ जोड़ोगे तो 8 + 3 = 11 का एक कैरी, 1 7 4 = 11 = 12 = 121। ये आ गया एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो उधर रूट्स हटाओगे, यानी एक्स प्लस वाई बराबर √121। और √121 का मतलब क्या होता है, 11। क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब, नोट कर सकते हो। तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक बार कमेंट करके फटाफट बताना कि 5 में क्या आपके 5ों सही हैं, 4 सही हैं, 3 सही हैं, कितने सही हैं आप एक बार बताओ। फिर हम लोग सीखेंगे कि हमें अभी कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है और आगे क्वेश्चनों पर हम बढ़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक चीज़ें सीख गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब 11 नंबर, कितने हो गए, 6। छठवां प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न। 5 में कितने सही हैं भाई बताना। और एक बार आप वीडियो को शेयर करो मेरे दोस्त, सभी दोस्तों के संग, क्योंकि उनको एक बार पता चले। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही, तकरीबन 1 वीक के बाद क्लासें फिर से आपकी स्टार्ट हुई हैं, तो आप अपने दोस्तों तक जरूर ये बात बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यह प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा 4y प्लस में y/5 इज इक्वल टू 21 को हल करो। और मेरे दोस्त बात को याद रखना, जो यह प्रश्न मैं करा रहा हूँ ना, ये मोस्ट, ये अगर मैं टाइप की बात कर लूँ, इस क्वेश्चन की मैं टाइप की बात कर लूँ, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, मतलब इससे इम्पॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं, इस टाइप से इम्पॉर्टेंट। ये क्या है आपका, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, अचर राशि को एक तरफ, अचर राशि को एक तरफ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा भाई, 4y, अगर मैं बात करता हूँ 4y प्लस के y/5, हर बराबर करेंगे ना, इसके नीचे बटे एक मान लेंगे। यहाँ भाई हर बराबर करने के लिए 5 से नीचे इंटू 5 से ऊपर इंटू, और बराबर कितना है, 21 है। तो 5 का कितना हो जाएगा, 20y प्लस में 1y और बटे 5 हो जाएगा, बराबर के 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, 5 का गुना करेंगे तो उधर चला जाएगा, 5 बटे उधर चला जाएगा गुने में, यहाँ हो जाएगा 21y बराबर के 21 × 5। अब गुना मत कराओ, कोई ज़रूरत नहीं है, 21 गुने में इधर पहुँच जाएगा बटे में, तो y बराबर 21 × 5 / 21, 21 से 21, जय श्री राम। तो y बराबर कितना बच गया, 5। अगर y की वैल्यू 5 है तो बस आपका प्रश्न का उत्तर लग गया। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो, क्या आपका क्वेश्चन सही है, और मोस्टली क्वेश्चनों में उत्तर की जांच एग्जामिनर आपसे करवाएगा। y बराबर 5 रखो तो 4 × 5 प्लस के 5 / 5 इज इक्वल टू 21 है ना, 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 1 बचा, बराबर के 21। तो देखो क्या 21 = 21 आ रहा है, यानी वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS। और ये अगर बराबर हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो क्वेश्चन आपका 110% सही है, उसमें कोई दो बातें नहीं है।
है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, वाई बराबर 5। उत्तर की जांच भी हो गई है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या है उसको समझने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हर एक चैप्टर से मैंने क्वेश्चनों को उठाने की कोशिश की है, तो बहुत बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आप इस मॉक टेस्ट को दोगे और आप अपना स्कोर डेली का डेली लिखोगे। देखना एक समय ऐसा आएगा कि आप सारे प्रश्न कर लोगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इस बात को समझना। 10 सही 5/9 माइनस मध्य ब्रैकेट है आपका, 4 सही 2/3 प्लस 3 सही 8/9 ठीक है ना। और उसके बाद हो गया प्लस माइनस है, माइनस का छोटे ब्रैकेट में 5/6 और माइनस हो गया 7/18। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये आपका क्या है, ये आपका एक प्रकार का इक्वेशन है जिसको हम बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करेंगे। आपको पता है बोर्ड मास चैप्टर आपके बुक में है, सिलेबस में है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या बताया था, आप छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ देखो 6 है, यहाँ 18 है, इसको बनाने के लिए 3 से नीचे गुना 3 से ऊपर गुना, यानी ब्रैकेट में हर 18 हो जाएगा। 6 3 18 18, 5 3 15 माइनस के साथ बात के लिए ये हो गया माइनस, 9 3 27 27 7 34 एक 35, ये आ गया 35/9। भाई मैंने इस मिक्स जो भिन्न थे इसको सरल भिन्न में बदला, 9 3 27 27 और 7 34 एक 35/9 हो गया, प्लस 4 3 12 12 13 14 ये हो गया 14/3 है ना। और ये मध्य ब्रेकेट हमारा हो गया ठीक है ना। और ये देखो यहाँ माइनस में 10 9 90 5 95/9 आ गया, माइनस का चिन्ह है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फिर से आते हैं, 15 में से 7 जाएगा तो 7 7 14 8/18 आ जाएगा, यानी माइनस का यहाँ बच गया 8/18 और यहाँ बच गया 35/9, यहाँ प्लस के बच गया है 14/3। ये मध्य ब्रैकेट की बात हो रही है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, 3 9 18 का एलसीएम 18 होता है। 3 को 18 बनाने के लिए 6 से नीचे गुना 6 से ऊपर गुना, 9 को 18 बनाने के लिए 2 से नीचे गुना 2 से ऊपर गुना। अब देखो 9 2 18 6 3 18 18 18 बराबर, ये स्टेप आप लिख सकते हो एक बार, 95/9। तो यहाँ पर आप देखो हर बराबर है, 18 एक बार लिख लीजिए, 14 छक्का कितना होता है भाई, 6 चौके 24 हासिल आ गया 2, 6 1 6 2 8 84 हो गया, प्लस में 35 2 70 हो गया, माइनस के 8 हो गया। ये मध्य ब्रेकेट में आपकी इक्वेशन हो गई, माइनस हो गया आपका 95/9। कोई दिक्कत नहीं सर, जोड़ो 7 7 14 1 15, 154 में से 8 अगर चला जाएगा, अगर 154 में से 8 चला जाएगा, 14 में से 8 गया 6 4 146/18 बच जाएगा, यानी ये बच जाएगा 95/9 माइनस के 146/18। भाई इसको सॉल्व करेंगे, देखो 70 70 140 150 154 से 8 जाएगा 146/18, 9 को 18 बनाने के लिए 2 से नीचे 2 से ऊपर, तो ये क्या निकल कर आएगा, 9 2 18 5 2 10 190, ये हो जाएगा 190 माइनस के 146/18 हो जाएगा 18। जब इसको सॉल्व करोगे 190 से 146 जाएगा 46 4 50 है ना, 46 4 50 और 50 40 कितना हो गया 90, 44/18 आ गया, 44/18 आ गया। क्या मैं इसको 2 से काट सकता हूँ, बिल्कुल, 2 दुनी 4 2 दुनी 4 और 2 से काटेंगे तो 2 9 कितना हो गया 18, 22/9 क्या और आगे कुछ कट रहा है, एक बार देखना जरा क्या और आगे कुछ कट रहा है, भाई नहीं कट रहा, तो 22/9 क्वेश्चन का सही जवाब है। या इसको आप सॉल्व करके ये भी लिख सकते हो, 9 दुनी 18 4 22 2 सही 4/9,
9 2 18 4 22, 2 सही 4/9, दोनों क्वेश्चन आपके सही हैं, दोनों उत्तर। 2 सही 4/9 कहो चाहे 22/9 कहो, ठीक है ना। 5 2 10, 9 2 18, 1 19, 190 से 146 आएगा, 46 4 50, और 50 40 90, 44/18 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेना आप लोग एक बार, उत्तर आएगा 22/9 या फिर 2 सही 4/9, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है भाई। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें विशेष ध्यान रखना है आपको। इसमें देखो बड़े बड़े लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं, अगर माइनस प्लस जरा से भी अगर ध्यान इधर से उधर भटका तो ये समझ लीजिए पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो आपको ना बहुत केयरफुल तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है ना, ताकि गलत ना हो। एक बार लगाने के बाद आप चेक भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अगर टाइम बच रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये कह रहा है 56 56 70 और है 84, 84 का आपको HCF बताना है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मासा, महत्तम समापवर्तक बताना। तो कैसे बताएंगे, हम फैक्टराइजेशन विधि लगा लेंगे, फैक्टर विधि। तो ये हमारा 56 के हम अलग फैक्टर कर लेंगे, 70 के हम अलग फैक्टर कर लेंगे, 84 के हम अलग फैक्टर कर लेंगे। अब कोई एक ऐसा नंबर देखो जो दोनों को काटे, तो अगर मैं बात करता हूँ 7 8 56, और 7 से काट देंगे 10 बार में, 7 से काट देंगे 12 बार में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से काटो, 2 4 8, यहाँ काटो 2 2 4, यहाँ काटो 2 1 2, यहाँ काटो 2 5 10, 5 1 5, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो HCF क्या होगा, HCF में सबसे छोटी पावर लेते हैं जो सब में कॉमन मिलती है, तो 7 तो सब में है, देखो 7 सब में है, तो 7 तो 7 आएगा ही आएगा। 2 की बात कर लें, 1 1 1 तीनों में है, तो ये 2 भी आ जाएगा। बट अगर मैं इस 2 की बात करूँ, इस 2 की 2 में है लेकिन इसमें नहीं है, तो बाकी तो कुछ मिलेगा नहीं। तो 7 2 क्या आ जाएगा, 14 क्वेश्चन का सही जवाब। 14 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करेगी, यानी HCF क्या होगा, 14 14 4 56, 14 5 70, 14 6 84, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है और उसको समझने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कुछ इस प्रकार, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² y क्यूब और z और क्या है भाई, 6x³ y की पावर 5 z की पावर है 2 का आपसे पूछे है HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न में मासा कैसे निकालेंगे, मासा हमेशा सबसे छोटी पावर निकालते हैं, यानी अगर मैं HCF डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो देखो 2 यहाँ पर, क्या हमें यहाँ पर 2 मिल जाएगा, डिफिनेटली मिल जाएगा, 2 3 6, मतलब 2 तो मिल ही मिल जाएगा। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, क्या x की पावर 3 बड़ी है या 2 बड़ी है, आपको सर 2 बड़ी है, तो x की पावर 2 हमने यहाँ पर ले लिया। y की पावर यहाँ 3 है, यहाँ y की पावर 5 है, कौन सी y की पावर बड़ी है, 3 बड़ी है, तो y की पावर हमने 3 ले लिया। यहाँ z है, यहाँ z की पावर 2 है, तो ये z ले लिया, उत्तर आपकी आंखों के सामने है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं, लेकिन जिनको कंसेप्ट नहीं पता होता वो गलत कराते हैं। तो आप ये गलती मत करना, आप चीज़ों को समझना, उत्तर आ जाएगा 2x² y³ z, है ना। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो ला रहा हूँ मैं, ये आज की क्लास का सबसे बेहतर क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 10 सबसे बेहतर है आज की क्लास का।
तो देखो, इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश आपको करनी है, आप कैसे क्वेश्चन लगा पाओगे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ, तो देखो इसमें दिया क्या गया है। इसमें दिया गया है कि यदि 2x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4, तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा x क्यूब प्लस 1 अपॉन 8x क्यूब का मान। अब इस क्वेश्चन में कुछ लोग तो देखकर यही बता देंगे कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। काफ़ी सारे लोग यही बताएंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, मिसप्रिंट है। लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन पेपर में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, मेरी बातों को समझते जाना, आपकी हर एक बात समझ में आ जाएगी। अगर मैं कहूँ कि इस प्रश्न को आप कैसे लगा सकते हो, भाई देखो, आपको इस टर्म को, ये जो टर्म है ना, इस टर्म को इस टर्म के रूप में डिवाइड करो या भाग करो, मल्टीप्लाई ऐड कुछ भी करो, बनाना है। कैसे, यहाँ कोई भी अचर राशि नहीं है, लेकिन यहाँ पर अचर राशि है, यहाँ पर अचर राशि है, लेकिन यहाँ पर अचर राशि नहीं है। तो यहाँ हमको लगाना है, यहाँ से हमको घटाना है। तो ये देखो, जो ये लिखा है 2x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4, यदि इसमें मैं 2 से भाग लगा दूँ, 2 से भाग कर दूँ। क्यों करूँगा, क्योंकि 2 से भाग करूँगा, 2 हट जाएगा ना, तो यहाँ x बचेगा, बाकी सारी चीज़ें बन सकती हैं। अगर मैं 2 से भाग लगाऊंगा तो देखो 2 यहाँ हो जाएगा, इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, इसमें भी 2 से भाग लगा देंगे, तो ये 2 से ये 2 ख़त्म, यहाँ बच गया x प्लस, ये ऊपर बच गया 1 और ये 2x हो गया, बराबर 2 दुनी कितना हो गया, 4 हो गया, बस ख़त्म, लग गया क्वेश्चन। देखो अब इस चीज़ को आप इस फॉर्म में तोड़ सकते हो। कैसे, अगर इसका आप घन कर दो, आप यहाँ लिख लो का घन करने पर, अगर आप इसको घन लिख दो का घन करने पर, तो ये क्या निकल कर आएगा, x प्लस 1 अपॉन 2x का होल क्यूब, यही ना। तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 अपॉन 8x क्यूब प्लस के क्या होता है 3ab, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू ये हो जाएगा x इंटू 1 अपॉन 2x ब्रेकेट के अंदर x प्लस 1 अपॉन 2x हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रेकेट के अंदर a प्लस b, मान रखो x प्लस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर रख दोगे तो ये हो जाएगा 2 दी पावर 3। इसमें कुछ करना नहीं, क्योंकि इसी का मान बताना है, ये निकल कर आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन 8x क्यूब, है ना, प्लस देखो एक एक से ये x ख़त्म, तो 3 एकम 3 बटे 2, ये आ जाएगा 3 बटे 2 गुने, इसका मान रखोगे, इसका मान कितना है 2, तो इसका मान हो जाएगा 2, तो आप यहाँ पर देखो 2 से 2 ख़त्म, इधर 3 बचेगा, तो बाकी चीज़ें आप इधर समझो। देखो 2 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 8, तो 2 का क्यूब हो गया 8, बराबर इधर बच गया x क्यूब प्लस 1 अपॉन 8x क्यूब प्लस में इधर बच गया 3, क्योंकि ये 2 से 2 ख़त्म 3, अब इसी का मान बताना, 3 प्लस से इधर माइनस में भेज दो, यानी 8 माइनस के 3 बराबर क्या बच जाएगा, x क्यूब प्लस 1 अपॉन 8x क्यूब, 8 में से 3 जाएगा 5। क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा, 5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब 5 आ जाएगा, नोट कर लो, अगले प्रश्न पे पहुँचेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 11 पर, है ना, नोट कर लो इस प्रश्न को। और यह प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये पिछली बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर, प्रश्न संख्या 11 क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बार अगर आप कोशिश करते जाओगे तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन आप ये सोचो कि जब पेपर आएगी, हम उसके जब डेट आ जाएगी तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे,
तो ये एक मूर्खों वाली बात हो जाएगी, है ना। तो आप तो बुद्धिमान हो, आपको तो मूर्खों वाला काम करना नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, अब 11 की बात कर लें। 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले समबाहु त्रिभुज का क्या बताना है, परिमाप बताओ। ये है क्वेश्चन नंबर 11। 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताओ। अब किन किन को पता है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, एरिया वाले 400√3 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताना है। अब देखो, इस क्वेश्चन में एक चीज़ मिस है, क्या है वो आपको समझ लेना है बस। मेरे दोस्त, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और सेंटीमीटर स्क्वायर में ट्रायंगल का क्या आता है, एरिया आता है। तो मैं यहाँ से कह देता हूँ कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे √3/4 इंटू के भुजा स्क्वायर बराबर, ये किसके बराबर होगा, 400√3 के। यही ना बराबर होगा, √3 ख़त्म, 4 × 16 यानी a² = कितना हो जाएगा, 400 × 4 यानी a = 4 × कितना हो जाएगा, 1600। रूट के अंदर स्क्वायर जाएगा, a = 16 का मतलब 4, 0 का मतलब 0, यानी कि जो भुजा थी वो कितनी थी, 40 सेंटीमीटर। अगर भुजा 40 सेंटीमीटर थी तो त्रिभुज का परिमाप समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप डायरेक्ट 3a कह सकते हो, यानी AB + BC + CAB कह सकते हो। परिमाप होता है 3a, यानी 3 × a है 40, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12, 120 सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप। 120 सेंटीमीटर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी 120 सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे पहुँचते हैं, अगला प्रश्न क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, और आपको कमेंट करके बताना है कि पूरे 13 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही आए हैं, और जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत है वो चैप्टर भी आप बताओ कमेंट करके कि आपको किस चैप्टर में दिक्कत है। मेरे दोस्त, यहाँ आप लोगों के लिए ही पढ़ाया जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 12 होगा, 12। ये कह रहा है 45 डिग्री के कोण की रचना करो। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने केवल इसलिए आपको करा रखा है क्योंकि ये पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, और इन प्रश्नों में रचना आपको खुद लिख लेनी है। मैं बताऊंगा कैसे कोण बनता है बस प्रकार से। देखो, कुछ मत करो, सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, सीधी लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। तो सपोज दैट ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, अगर मैं इसका नाम रख देता हूँ AB, कितनी भी लंबाई की आप एक लाइन खींच लो। अब आपको पता है आपका प्रकार ऐसे होता है, एक तरफ नुकीला होता है, एक तरफ पेंसिल लगी होती है। तो जिस साइड में आपकी पेंसिल लगी होगी, जो नोक जो चुभ जाती है ना, जो निडिल होती जो चुभ जाती प्रकार में, उसको आप इस कोने पर रखोगे। इस कोने पर रखने के बाद आपको इतनी दूर तक बढ़ाना है कि आधे से अधिक दूरी कवर कर ले। अगर मैं मान लिया यहाँ तक बढ़ाया, आधे से अधिक दूरी कवर कर लिया ना, मैंने यहाँ से एक चाप लगा दिया, ऐसे लग गया चाप, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना, दूरी कम ज़्यादा नहीं करना, दूरी जितनी है उतनी फिक्स रहेगी। आपको उसी दूरी से जो नुकीला वाला नुकीला जो चुभ जाता है उसको यहाँ पर रखना है, और उसी दूरी से एक आपको चाप ऐसे लगा देना है, ठीक है ना। ये चाप लगा दिया, ये बनेगा 60° का कोण। उसी दूरी से आप एक चाप ऐसे लगा दो, ये बनेगा 120 डिग्री का कोण। अब आपको 90° बनाना है। 90° कैसे बनाओगे, आप इसको क्या कर सकते हो, इसको डॉट डॉट करके आप मिला लो, ऐसे आप मिला लो ताकि आपको क्लियर हो सके। मिला लिया ना, प्रकार की नोक रखो, यहाँ आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ चाप लगाओ, उतनी ही दूरी से यहाँ चाप लगाओ, तो ये जो कोण बनेगा ना, ये 90° का कोण बनेगा। और पिछली बार आपके जो परीक्षा में पूछा गया था वो 90° का ही कोण पूछा गया था, यानी ये आपका 90° का कोण आएगा।
बट आपको तो 45 अंश का बनाना है, कैसे बनाओगे? अब कुछ नहीं करना भाई, इतना 90 अंश का है, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाओ, उतनी ही दूरी से एक चाप यहाँ काट दो। जहाँ पर दोनों चाप काटेंगे तो ये जो आप मिला दोगे ये बनेगा आपका 90 डिग्री का कोण। जो मैं यहाँ पर ने डार्क कर रहा हूँ ये आपका 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, सॉरी ये 45 डिग्री का, ये कोण बनेगा 45 डिग्री का। ये आपको ऐसे करना था। आप यहाँ पर पॉइंट भी लिख सकते हो। सर्वप्रथम मैंने एक लाइन ए बी खींची, उस लाइन पे पटरी प्रकार की सहायता से मैंने आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया, दो पॉइंट उस चाप से मैंने दो चाप लगाया, दोनों चाप का समद्विभाजक किया 90 डिग्री का समद्विभाजक किया 45 डिग्री, आपके 5-6 पॉइंट बन जाएंगे और 2 नंबर आपके फ्री के मिल जाते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे आपका बनेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। मैंने बताया था 13 प्रश्न कराएंगे, तो 13 में कितने आपने सही कर लिए हैं वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन देखो 13 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न क्या कह रहा है इसको जरा समझो। क्वेश्चन नंबर 13, यह क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाएं PQR सेंटीमीटर हैं। अब ये प्रश्न देखो कितना आसान प्रश्न आ गया है, लेकिन अब देखो काफ़ी लोग दिक्कत कर देंगे इस प्रश्न में। आपसे पूछा है सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप क्या होता, तीनों भुजाओं का योग। अगर मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप क्या होगा, इन तीनों भुजाओं को जोड़ दो, P प्लस क्यू प्लस आर, ये परिमाप हो गया। लेकिन आपसे तो सर अर्ध परिमाप पूछे हैं, अर्ध का मतलब इसमें आप आधा कर दो, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन का सही जवाब है। तुम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए, टोटल मैंने 13 क्वेश्चन किए, आपके कितने सही हुए हैं भाई आप बताना कि 13 में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है ना। और भी अगर आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत लग रही है तो वो भी आपको बताना, आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। रेगुलर क्लास अब आपकी चलेगी, यानी डेली आपको क्लास मिलेगी। क्लास इसलिए मेरे दोस्त 7 दिन से नहीं आ रही थी, हम लोग घर चले गए थे, है ना, तो घर से तो क्लास बन नहीं सकती है। तो चलिए ठीक है, अब रेगुलर क्लास मिलेगी, मिलेंगे कल की क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।